प्रणाम गोल्ड लागत यानी हिंदुस्तान हम ही अविनाश द्विवेदी नचनिया नंबर एक श्रद्धा चौहान नचनिया नंबर दो ऋचा दीक्षित नचनिया नंबर तीन हमारे बीवी हमारे बेटे हम बाबूजी सही बात है। तो नचनिया हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है परसों, सब लोग याद से आइएगा और ये फिल्म को बहुत सारा बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा और ये फिल्म सारे परिवार के साथ आप देखिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। कई साल बाद पहली भोजपुरी फिल्म है जिसको क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है। बच्चे दादी अम्मा भौजी भौजाई चाचा चचाई लाला ललाई मौसा मौसाई दुबे दुबाई शर्मा शर्माई सब साथ में बैठ के देख सकते हैं, एक लाइन में एक रो में बैठ के देख सकते हैं। yes. मैं तुमसे पूछना चाहूंगा ऋचा, तुमने नचनिया की क्यों? ये नचनिया मैंने क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ, मैं मुंबई आई थी और मुझे बताओ ना, मुंबई आने के एक महीने बाद मुझे तुरंत नचनिया फिल्म ऑफर हुई, तो मैं सोची थी यार भोजपुरी में तो बहुत गंदगी होती है तो मैं भोजपुरी क्यों करूँ, और मेरा मैं अभी अभी मुंबई आई हूँ तो मैं मुंबई में आके भोजपुरी कर लूंगी तो मैं हिंदी में काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही बल्गर होता है, डबल मीनिंग सॉन्ग होते हैं, डबल मीनिंग हम डायलॉग बोलते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने एक महीने तक साइन नहीं किया था पिक्चर। फिर मेरे जो डायरेक्टर है समीर सर, उनसे मेरी डायरेक्टली मुलाकात हुई, तब उन्होंने बोला ऋचा इसमें तुम्हारे कपड़े यहाँ से लेके यहाँ तक के हैं, यहाँ से लेके पैर तक के हैं, कोई इंटीमेट सीन नहीं है, कोई वल्गर सॉन्ग नहीं है, तो मेरे पर विश्वास करो, मैं तुम्हें तुम्हारी फिल्म ये अच्छी होगी, अच्छी जाएगी और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि तुमने गंदी फिल्म करी। और फिर मैंने स्टोरी सुनी तो सच में मुझे लगा कि हाँ मैंने एक अच्छी फिल्म करी है और मैं ये प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैंने एक नचनिया भोजपुरी फिल्म करी है। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करके कैसा लगा? अरे मैं शूटिंग के दौरान मेरे पिताजी का ही रोल कर रहे थे और मैंने दो दिन बाद इनका नाम भूल के मैं कंटिन्यू एक महीने तक इनको बाबू जी बुलाने लगी। अब तो नहीं बुलाओगी ना, और एक फिल्म का और मैंने एक महीने बाद भी बुलाया था इनको, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि मतलब पब्लिकली बेचारा एकदम यंग है तो मैं बाबूजी बोलूंगी तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ फिल्म में अविनाश जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और मेरा सपोर्ट बहुत किया, मैं हर एक शॉट के बाद आती थी अविनाश जी मेरा ये शॉट अच्छा है, अविनाश जी कहती थी अविनाश जी मेरा ये शॉट अच्छा है ना, बोली बाबूजी कहती थी मैं। अरे यार अभी बोल रही हूँ यार, अभी डिस्कस कर रही हूँ, एक साल दो साल पुरानी बात है, क्या ये लोग मुझे बात पे फंसा रहे। तो क्या कि मतलब ये हर एक शॉट के बाद देने के लिए मैं पूछती थी कि अविनाश जी मेरा शॉट अच्छा है, तो बोलते थे तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारा जो पहला शॉट है वो तुम जब फिल्म रिलीज होने के बाद देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरा सबसे अच्छा शॉट फिल्म का पहला शॉट था। और वो सही बात है, जब मैंने फिल्म देखी एडिटिंग में तो पहला शॉट जो मेरा स्कूल का था वो सच में बहुत अच्छा शॉट है। क्या बात है, क्या बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बाबू जी उर्फ अविनाश जी के साथ काम करके। और अविनाश आपको कैसे लगा ऋचा के साथ काम करके? ऋचा के साथ काम करके मुझे ऐसा लगा कि पहले तो मुझे लगा जब हम लोग शूटिंग करने के लिए जा रहे थे रास्ते में कि यार ये लड़की इतना पकाती है तो इसके साथ कैसे शूटिंग की जाएगी, मतलब इसके इतने सवाल इतने सवाल इतनी नौटंकी, मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार ये तो, क्योंकि मैं थोड़ा मैं बहुत सीन से पहले मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ और सीन से पहले तो इनको करनी बहुत सारी बातें रहती है एकदम रिलैक्स, मैं थोड़ा डरता रहता हूँ हमेशा सीन से पहले, वो एकदम रिलैक्स रहती हैं, वो बीएनए से हैं। नहीं नहीं वो रिलैक्स नहीं रहती है, आपको पता है ना जब मेकअप में बैठती है हाँ। क्या होता है उसका नहीं अभी जब ऋचा मेकअप करती है तो हम लोग लेकिन वो हंसी मजाक देखते देखते ना वो बाप का रोल करते करते मुझे एक दिन ऐसा लगा अचानक से, जो हम आखिरी क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे और तुम और प्रकाश जी स्टेज पे थे, मैंने तुमको देखा और मुझे लगा भगवान अगर रियल लाइफ में मेरी बेटी हो ना तो ऐसी उससे पहले मेकअप से पहले ऐसे लगता था कि कोई आया है शूटिंग देखने गांव का आदमी देख रहा है कि अरे भैया शूटिंग चलती के आई बा, और क्या सडनली हम देखते थे मेकअप हुआ लड़की का और यहाँ से गया और अवतार चेंज।
मैं हीरोइन हूँ, ये तो होता था। अब इनके बारे में कुछ बात करी जाए, हमारे बारे में क्या बात करोगे? कौन था अर्जुन? अच्छा, अविनाश, वो जो गाना शूट हो रहा था, एक गोरी गोरा सा लड़का आया था और ऐसे जो डांस हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रही थी वो, उसको वो पूरी फिल्म में सबसे बड़ा जो ठुमका मारा है उसी गाने में मारा है। उसी गाने में मारा है। था भी वैसे सब मॉनिटर में ऐसे बैठे रहते थे, वाह क्या करती है श्वेता, वाह वाह। यस, वो था ही वैसा ना, कौन लड़का नहीं मतलब वो जो वहाँ का सीन था वैसे ही था। और ऐसे फिल्म में तीन चार गाने थे जिसमें ठुमका मारना था, मेरे साथ बहुत छोटे ठुमके लगाए, उसके साथ ज्यादा बड़े लगाए, उसके साथ बहुत बड़े ठुमके लगाए, क्योंकि उसको मर्द दिखाया था और मुझे औरत, उसी के ऊपर तो है कहानी। मेरे बाप के साथ ये जुल्म हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। तुमने भी मुझे नचनिया कह दिया, क्योंकि उसी के ऊपर तो है। तो ये फिल्म नचनिया जरूर है, बट नचनिया के पीछे एक कलाकार छुपा हुआ है जो है अविनाश। गौर से देखिए इस इंसान को, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो बचपन से डांस करता है और उसके माँ बाप और घर वाले पड़ोसी कहते हैं का करवा भाई, नचनिया पतनिया बनवा, ये करवा, और वही इंसान जब स्टार बन जाता है तो उसको लोग कलाकार कहते हैं। ये क्या चक्कर है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? किसी को एक आदमी नचनिया कहता है और वही लड़का जब रियलिटी शो में जाके डांस करके विनर बन जाता है तो उसको लोग कहते हैं क्या नाचता है, क्या आर्टिस्ट है। और जब रिश्ते में बनते हैं तब बोलते हैं कि ये नचनिया की बेटी है, ये नचनिया की बेटी है, ये नचनिया की बेटी है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे जिंदगी में पहली बार कि जब लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, तुझे फील आया होगा ना? ये जिस दिन मैं वैनिटी में तैयार हो रहा था, बड़की सहरियन गाना शूट होने वाला था और भीड़ जमा हो गई थी आसपास के 10 गांव की, और मैं वैनिटी में बैठा था, हल्का सा दरवाजा खुला था और भीड़ मुझे देख रही थी, और मैं नीचे उतरा ना तो लड़के मुझे छेड़ने लगे, अरे चल बुका उठा ले जाई, आवा हो आवा रानी आवा। तो मुझे लगा यार ये तो मेरी इज्जत को खतरा है, और मुझे इतना बुरा लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि यार लड़कियों को जब कोई ऐसे कमेंट्स पास करता होगा तो क्या लगता होगा, क्या फील होगा। मैं लड़का था तब मैं डर गया कि ये 100 की भीड़ मुझे उठा लेगी तो मैं क्या करूंगा। और इसी तरीके से आज जो लड़के लौंडा नाच करते हैं हमारे यूपी बिहार में नॉर्थ में, उनकी जान कैसे अटकी रहती होगी जब वो शो करने आते होंगे, तो 100-200 लोग हैं, अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करे तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी पिटाई हो जाएगी, हमसे जबरदस्ती जो कहा जाएगा हमें करना पड़ेगा। तो मैंने जिंदगी में पहली बार वो फील किया जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी वाइफ या तुम लोग मेरे दोस्त कोई भी लड़की फील करती होगी, मतलब कितना डरावना लगता होगा जब कोई आपके ऊपर कमेंट पास करे और आप अंधेरे रास्ते से जा रहे हो। तो मैंने उस दिन से बॉस लड़कियों की इज्जत मेरी नजर में और बढ़ गई। तो क्या कहने का मतलब, क्या क्या पहले इज्जत नहीं करते थे? नहीं मैंने कहा बढ़ गई, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि इज्जत कम थी। सॉरी, तुम बेटियों के बाप को डांटती हो, कभी कभी तुम इस बात को हर बार सिखाती हो। कभी नहीं, मुझे मार के आ गई। ये डायलॉग ये आप लोगों को समझ में नहीं आया, इन्होंने क्यों बोला, अभी इसका एक्सप्लेन करो ये क्यों बोला। हाँ, तो विस्तार से बताएं। हाँ, रीचा कैसे आती है? शॉर्टकट बताइयो। हाँ बस मैं मर जाती हूँ, मैं माँ हूँ उसकी और मैं मरने के बाद रीचा आ जाती। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। अच्छा ये भी क्या कह रही थी, जब मुझे फिल्म का ऑफर आया तो मैंने सोचा यार भोजपुरी फिल्म कर लूंगी, अभी अभी आई हूँ तो कैसे करूँ, बल्गर होती है, ये होती है, वो होती है, और हम दोनों से ज्यादा भोजपुरी फिल्म देखो यूट्यूब पे जाओ, देखो थिएटर में जाओ, देखो जाओ क्यों, थोड़ा प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, इसी बहाने चला रहा हूं। क्या बात है, मैं हीरोइन हूं, देखा हीरोइन वाला टेंट्रम आ गया ना। अच्छा अविनाश मुझे ये बता दूं कि जब तुम लड़की के वेश यानी जो कपड़े पहनते हो लड़कियों का, तो तुम्हें कैसा फील होगा? यार लड़कियों के कपड़े पहनने तक मतलब बट फ्रेंकली लड़कियों के कपड़े पहनने तक ठीक है, लेकिन जब लड़कियों के
अंडरगार्मेंट्स मैंने पहने और जो चोली के अंदर पहनते हैं वो पहना, तो मतलब वी आर लिटरली इट वॉज, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मेरे अंदर, मतलब मुझे दो मिनट के लिए फील हुआ कि मैं लड़की ही हूँ। इतना नाजुकपन, इतना वो, मतलब मुझे लग रहा था मैं एक फूल हूँ जिसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जाए, उससे मसला है कुचला ना जाए, जैसा शेक्सपियर ने कहा है। और तब तो मैंने अविनाश की फोटो भी क्लिक की थी, फोटो भी क्लिक की थी, और मैंने इस फिल्म के लिए अपनी वाइफ संभावना को बहुत ऑब्जर्व किया, क्योंकि बहुत अच्छी डांसर हैं और उनकी अदाएं, ये मैं उनको देखता था, वो करता था, और जब मैंने कपड़े पहने ना तो मुझे ऐसा लगा मैं हूँ मेल संभावना। अच्छा, मुझे लगेगा संभावना की क्या सुन रही है ना हमारी बात, ये क्या बोल रहे हैं अविनाश जी? क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं मेल संभावना फील कर रहा था, मैं मेल संभावना फील कहा ना, फीमेल थोड़ी कहा। हाँ, और वो जो फीलिंग थी ना, वो मतलब मैं ये समझता हूँ यार, लड़कियाँ जो हमारी फिल्मों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, डांस करती हैं, चाहे वो श्रद्धा हो, ऋचा हो, मेरी वाइफ हो या और कोई भी हो, यार वो इतना लंबा लहंगा पहन के कैसे नाचती, मेरे पैरों में इतना फंसता था लहंगा, मुझे लगता था ये भगवान कोई लहंगा उतारो, मुझे पैंट दो, पैंट पहन के नाचना है। ऐसे होता तो फिल्म नहीं होती यार, मतलब तुम लोग कैसे करते हो यार, कभी ये यहाँ से चोली का तार टूट रहा है, कभी लहंगा उतर रहा है, कभी पिन निकल रहा है, कभी बाल खुल रहे हैं, कभी मेकअप आंख में आ रहा है, आईलाइनर पुछ जा रहा है, यार लड़कियों, यार हैट्स ऑफ यार, तुम कैसे करते हो? लड़की बन के मुझे एहसास हुआ बॉस की अगले जन्म मुझे बिटिया ही की जो अच्छा। मैं एक और चीज बता दूं जरा लोगों को कि ये जो हमारी फिल्म है, ये मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उस किरदार का नाम दर्शन है, और जिन इंसान के ऊपर है वो आज भी जीवित हैं और उनके ऊपर ये फिल्म बनी है जिनका नाम है दर्शन, और हम लोग उनसे मिले हैं। तुम्हें कैसा लगा दर्शन जी से मिलके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनकी लाइफ जो रिलेटेड थी और उन्होंने जो कष्ट उठाए तब से अब तक जो कर रहे रियलिटी में, वो काफी, और हैट्स ऑफ है उनके लिए, बहुत कुछ सहा है उन्होंने, और उनसे हमें एक प्रेरणा मिली है कि हम उनके अवतार में हम लोग कर सके वो सब कुछ एक फिल्म में दिखाया हुआ है। तो आप जरूर देखिएगा ये फिल्म।